पता है दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए ना किसी का सपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यस टीवी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रंजीत कौर, आज के नए वीडियो के साथ। तो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल गया कि आज बात करने वाले हैं एक ऐसे सपोर्ट की जो हमेशा आपको मोटिवेट करता हो और आपको अगर लाइफ में कुछ बनना है तो उसके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हो। बात करते हैं सबसे पहले फैमिली सपोर्ट की, क्योंकि कुछ भी लाइफ में बनना है ना तो फैमिली का सपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी लाइफ की जो शुरुआत है ना, या फिर अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसकी शुरुआत जो है ना आप प्लस टू के बाद सोचते हैं, प्लान करते हैं कि अब लाइफ में क्या करना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी में ज्यादा फोकस नहीं होते हैं, जिन्हें सिंगिंग और डांसिंग या अदर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट होता है। वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं ना, दबाव लगाते हैं कि दबाव देते हैं कि नहीं, आपने स्टडी में अपने आप को फर्स्ट रखना है, इन चीजों से आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे जिसको आप बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर आप डांट गुस्से मारपीट कर कोशिश करते हैं पढ़ाई करवाने की, या फिर उस बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी वो किसी और स्ट्रीम में अपने आप को मतलब एडजस्ट करना चाहता है, तो वहाँ आप अगर सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, या फिर डांसिंग में बहुत अच्छा है, या फिर पेंटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हमेशा ना आप स्टडी के साथ साथ बच्चों की उन चीजों में भी उनको जरूर सपोर्ट कीजिए। देखिए आज के टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ भी घर में आराम से बैठा हुआ है, और कुछ भी ना पढ़ने वाला भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। तो हमेशा ना अपना पिलर बन के रहिए, अपने बच्चों का पिलर बन के रहिए। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप आपका हस्बैंड है, या फिर आपकी वाइफ है, तो मतलब सपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फैमिली सपोर्ट फर्स्ट आता है, इसलिए कभी भी लाइफ में अगर कोई भी आपको लगता है कि आप किसी चीज का या फिर किसी बात पर दबाव देकर किसी के साथ आगे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो उस चीज को थोड़ा साइड में रखते हुए उस इंटरेस्ट के साथ उनको मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें जो वो चाहते हैं। तो इस तरह से स्टडी में भी बच्चे का फोकस रहता है, और साथ ही साथ जो चीजें वो करना पसंद करता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो भी उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही है आज की लाइफ, और प्रैक्टिकली देखें तो लाइफ यही है। तो इसी के साथ यह है आज की वीडियो। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और भी खास बात और खास टॉपिक के साथ। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड इनटू यस टीवी। गुड बाय एंड टेक केयर।